नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में तथा जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज रानी और मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण कर रक्षा सूत्र बांधा गया और उनको संरक्षित करने का उपस्थित जनों के संकल्प पत्र पड़ा। इस कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज रानी, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, वन अधिकारी अनिल कुमार द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। बताते चले कि शासन द्वारा 22 अगस्त से 29 अगस्त तक विशेष रक्षा सूत्र अभियान के तहत जनपद में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वन अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों को सहजन का पौधा भी भेंट किया। इस युग में अगर सबसे अधिक हानि किसी को हुई है तो वह निश्चित रूप से हरे भरे वृक्ष ही है जो हमें जीवन देते हैं। नित्य प्रति हमारे जीवन में नई खुशियां भरते हैं, लेकिन मानव की लालसा और उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ने इस वृक्षों को अपनी स्वार्थपरता का शिकार बना दिया है। मानव के आश्रय, पक्षियों के आश्रय को प्रदान करने वाले वृक्ष हमारे लिए पूज्य है, जीवनदायी है। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर इनकी रक्षा करें। रक्षा सूत्र इसी बात का एहसास हमें दिलाता है। जीवन के आधार, हमारे जीवन के आधार एवं देवतुल्य, एवं देवतुल्य वृक्षों को, वृक्षों को जो हमें जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, पानी, पानी, फल फूल, फल फूल तथा प्रकाश देते हैं, उन्हें बचाने का संकल्प लेते हैं, जिससे वन्य जीवों, जंतुओं, पक्षियों का प्रवास सुरक्षित हो सके। मूले ब्रह्मा, तने विष्णु, शाखायाम महेश्वर, पत्रम सर्व, देवानाम वृक्ष देव नमस्तुते। कानपुर देहात से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।